हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एपिसोड 6 ऑफ मोटिवेशनल मंडे। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रीक कुछ इस तरह से चल रही है कि हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हमें अपना गोल फिक्स करना है, जो हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और वो गोल कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। दूसरी बात जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी वो है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम यूटिलाइज़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हमें अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना है जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, बल्कि अपने रिसोर्सेज पे ध्यान देना है और आगे कैसे बढ़ना है हमने वो देखा। तो यहाँ पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ ग्रो हेल्प अवर चैनल बाय पुशिंग द सब्सक्राइब बटन। और आप देख रहे हैं द स्मार्ट बॉक्स विद सकलेन जाफर। जैसे लास्ट वीडियो के एंडिंग में मैंने कहा था कि ये वीडियो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा इस स्ट्रीक का, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है स्ट्रेटजी का, यानी हमारी स्ट्रेटजी हमें क्लियर होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट जो है वो ये है कि आप नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, जब हम अपने आइडियाज़, अपना गोल किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो जो है हमें बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपसे ये नहीं हो पाएगा, अरे आप कैसे ये कर पाओगे। और एक कोई पिक्चर का डायलॉग भी है कि ना बाबू तुमसे ना हो पाई, तो है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनसे आप दूर रहिए। दीज आर द नेगेटिव पीपल जो हमें भी नेगेटिव एनर्जी को भर देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है अगर हमें अपने गोल तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना गोल सेट कर लिया है और सेकंड स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, हमने अपने रिसोर्सेज को देख कर उसके आगे कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। बट यहाँ पर जब हम गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है कि यस दिस गाय और दिस गर्ल इज डूइंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ, और वो आ जाते हैं हमें जज करने के लिए और हमें जो है वो अपनी ओपिनियन देने लग जाते हैं और हमें बोलने लग जाते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये करोगे तो इसमें लॉस हो जाएगा, दिस इज डेफिनेटली अ लॉस। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल भी दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आपसे कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो याद रखिए फ्रेंड्स के वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो अपनी हद बता रहे हैं, वो अपनी लिमिट आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ उनके लिए इम्पॉसिबल है बट आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं इन नेगेटिव पीपल की बातों में आ करके जो है अपना गोल ड्रॉप कर देते हैं कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये गलती आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि ये आप नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा वो अपनी लिमिट बता रहा है, आपकी लिमिट नहीं। आपकी लिमिट आपको खुद भी नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल आपको नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने अब तक ट्राई नहीं किया है। तो यहाँ पर इन नेगेटिव पीपल से हमें दूर रहना है। इसे समझाने के लिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ। वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है जो उनकी जान लेना चाहती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल भाग रहा है किसी से जो उनकी जान लेना चाहती है, और ये भागते भागते एक बहुत ही बड़ी वॉल के सामने आकर के रुक जाते हैं। अब ये वॉल को पार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये वॉल बहुत ज़्यादा लंबी है और उसके ऊपर लोग जो है वो क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ पीपल ने डिसाइड किया कि 10 लोग जो हमारे बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो इस दीवार पर चढ़ने की काबिलियत रखते हैं, हम उनको चूज़ करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस दीवार पर आप चढ़ जाओ और ऊपर चढ़ के आप वहाँ से एक रोप फेंकना, ताकि जो हमारा पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो उस रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ जाए और फिर हम इस दीवार को पार कर लेंगे और जो हमारे पीछे पड़े हैं, जो हमारे जान के दुश्मन हैं, उनसे भी हम बच जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डिसाइड होता है। दे चूज 10 पीपल फ्रॉम देयर ग्रुप, और वहाँ पे वो 10
लोग खड़े हो गए और चढ़ने की कोशिश करने लगे। बट जैसे ही एक चढ़ने की ऊपर कोशिश करता तो नीचे जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो उसे देख करके डर जाता और कहने लग जाता कि नहीं नहीं उतर जाओ, अगर आप गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो यहाँ पर ऐसे ही 10 में से 9 लोगों ने कोशिश की बट उस दीवार पर नहीं चढ़ पाए। बट जब 10वां आदमी चढ़ा तो वो ऊपर चढ़ गया और उसने रोप नीचे फेंक भी दी और ये पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को उसने बचा लिया। इन सब की जान एक जन की वजह से बच गई। तो जब दीवार के उस तरफ पहुंचे, अदर साइड पहुंचे, तो ये जो है इसको से थैंक्स कह रहे हैं, उसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बट वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। तो एट द एंड पता चला कि वो 10वां आदमी जो वॉल पे चढ़ गया था और जिसने सब लोगों की जान बचाई, ही वॉज डेफ, वो बहरा था। तो यहाँ पर इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है फ्रेंड्स, कि जो 9 लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनमें भी काबिलियत थी, तभी तो इन लोगों ने उन्हें चूज़ किया था। तो यहाँ पर काबिलियत थी, बट द ग्रुप ऑफ पीपल विच वर स्टैंडिंग डाउन दे वर शाउटिंग कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप गिर जाओगे, एंड दे वर गेटिंग अफ्रेड फॉर हिम, वो उनके लिए डर रहे थे और उसे कह रहे थे कि मत करो मत करो, ऊपर मत जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये 9 लोग जो सुन सकते थे वो उनकी बातों को सुनकर उस दीवार पर नहीं चढ़ पाए। बट ये जो 10वां बंदा गया ऊपर, ये बहरा था तो इसे सुनाई नहीं दे रहा था कि नीचे के लोग जो है उसे कह रहे हैं कि मत जाओ, और ये जो है दीवार पर चढ़ गया। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ नेगेटिव पीपल, कि जब वो आपकी लाइफ में आते हैं और आपको अपनी नेगेटिविटी देते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप अपने पोटेंशियल को नज़रअंदाज करके उनकी एडवाइस सुन के अपने गोल को वहीं पर छोड़ देते हैं और जो है उनकी बातों में आकर या तो अपना गोल चेंज कर लेते हैं या तो जो वो एडवाइस दे रहे हैं वो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि याद रखिए कि अगर आपको फेलियर्स मिल रही है बट देन टू आपको उस काम में लगे रहना है, क्योंकि वो आपका एम है, किसी और का नहीं, वो आपका गोल है। आपको अपना गोल खुद पूरा करना है, चाहे कोई दूसरा हेल्प करे या ना करे। तो आज के हमारे इस वीडियो का यही मैसेज है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल और अपनी स्ट्रेटेजी को संभाल के रखिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। अगर आपको कोई हेल्प नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है तो आप किसी की नेगेटिविटी भी बर्दाश्त मत करिए, एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रीक ख़त्म नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, देर इज़ अ फोर्थ स्टेप, जो अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो आपको उसे ख़त्म करने भी आना चाहिए। तो ये 3 स्टेप तो हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप है हमारी गोल की तरफ, हमारी एम की तरफ, जो हमें डेफिनेटली उस तक पहुँचा देगा। तो स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 7 ऑफ आवर मोटिवेशनल मंडे। और हाँ, भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूं सकलेन जाफर, यू वर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।